हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज हम बनाएंगे पाचक अनारदाना गोली। बाज़ार में भी अ वैरायटी ऑफ माउथ फ्रेशनर्स अवेलेबल हैं, बट यू नो घर की बनाई हुई चीज़ों का स्वाद ही कुछ और होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे अनारदाना पाचक गोली कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम पाचक या खाटे का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने दोनों चीज़ें यहाँ इक्वल क्वांटिटी में ली है, 30 ग्राम जीरा, 30 ग्राम काली मिर्च और 30 ग्राम पीपर। सबसे पहले हम इमान दस्ते में पीपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे कुछ इस तरह के। उसके बाद तीनों चीज़ों का हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इस मसाले को आप सभी तरह के माउथ फ्रेशनर्स में यूज़ कर सकते हैं। अनारदाना गोली बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम गुलकंद, 50 ग्राम अनारदाना पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक और सफ़ेद नमक, 100 से 150 ग्राम पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून पाचक मसाला। अब एक मिक्सिंग बोल लें, उसमें गुलकंद, अनारदाना पाउडर, नमक, काला नमक, पाचक मसाला, और चीनी। चीनी हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करनी है और इसका एक टाइट डो बना लेना है। एक प्लेट में पिसी हुई चीनी लें और अब इस डो की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे पिसी हुई चीनी से कोट कर दें। मार्केट में अनारदाने की गोली रेड कलर में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रेड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसे गोली के अलावा कोई और शेप भी दे सकते हैं। और हमारी होममेड अनारदाने की गोली तैयार है। अगर आप इसकी जगह सिर्फ गुलकंद की गोली बनाना चाहें तो आप इसमें अनारदाना हटा सकते हैं, वो सिर्फ गुलकंद की पाचक गोलियां बन जाएंगी और वो भी टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।